नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की श्रृंखला का दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आज यानी कि 21 जनवरी को खेला जाएगा। कोरोना के चलते ये मुकाबला भीपाल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। पिछला मैच जीतने से दक्षिण अफ्रीका को श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल हो गई है। भारत के लिए आज इस मुकाबले में हर हाल में जीत हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत को आज हार मिलती है तो टेस्ट के साथ साथ वनडे श्रृंखला भी गंवानी पड़ेगी। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से टीम और कप्तान दोनों को ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आज इस मुकाबले में जीत के लिए भारत के लिए ज़रूरी होगा कि टॉस उनके हक में गिरे, क्योंकि बोलैंड में पहले बैटिंग करना फायदेमंद साबित होता है, जैसा पहले मुकाबले में भी देखने को मिला था। अगर भारत आज पहले बल्लेबाजी करता है तो कप्तान केएल राहुल को सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के साथ मिलकर भारत को अच्छी शुरुआत लगाकर देनी होगी। अगर भारत पहले बल्लेबाजी ना करे उसके बावजूद भी भारत को सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद रहने वाली है। इसके अलावा आज मध्य क्रम पर भी भारतीय टीम की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में मध्य क्रम ने सबसे ज़्यादा निराश किया था, जिसमें कोई भी बल्लेबाज अपने क्षमता अनुसार बल्लेबाजी नहीं कर पाया था। इसके अलावा पिछले मैच में भारत ने वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी में नहीं आजमाया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय टीम को भी भुगतना पड़ा था। आज अगर वेंकटेश को मौका मिलता है तो फिर उन्हें बतौर ऑलराउंडर ही इस टीम में आजमाया जाए। राहुल के ऊपर कप्तानी का साफ दबाव देखा जा रहा है, जिसका असर टीम में दिखाई दे रहा है। ऐसे में कप्तान को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सभी खिलाड़ियों को एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इस वक्त ये टीम बिना दिग्गज खिलाड़ियों की भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। कप्तान बावुमा और डुसेन ने पिछले मुकाबले में शतक लगाया था, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका को एक आसान जीत मिली। ऐसे में आज इन दोनों का विकेट जल्दी निकालना होगा ताकि भारत मैच में बना रहे। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।